ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महारण की तैयारी की। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई, इसमें नीतीश तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता गरजे। रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी वर्चुअली संबोधित किया। आपको बता दें सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू फिलहाल दिल्ली में हैं। वो काफी दिनों बाद अपने तेवर में नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली के जरिए बीजेपी खास तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया गया। इसमें नीतीश तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू फिलहाल दिल्ली में हैं। लालू ने कहा भाजपा कोई पार्टी नहीं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखौटा है। भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी हैं। एकजुट रहिए, हम साथ रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देश से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का समय आ चुका है। हम और नीतीश एक हो गए हैं, अब हमेशा साथ रहेंगे। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ना है। लालू ने याद दिलाया कि बिहार वालों के साथ मिलकर मैंने आरएसएस के रथ को रोका था। बिहार की करवट पर देश में हवा बदलती है। ये जो आरएसएस है, ये गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में खतरनाक बातें लिखी हैं। बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, दो खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है। रैली में नीतीश कुमार ने अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश पर कब्जा कर लिया है, कोई भी काम देश हित में नहीं कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए कोई काम किया है लेकिन यहाँ आकर क्या क्या बोल दिया कि हमने ये विकास किया वो विकास। पिछले चुनाव में इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए मदद करने का वायदा किया था लेकिन कोई मदद नहीं की। नीतीश ने फिर विपक्ष के एकजुट होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तय करे कि अगर हम सभी एकजुट हों तो 2024 में भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। सीएम ने कहा जीवन भर आप लोगों के हित के लिए काम करेंगे, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, इसके लिए बीजेपी को हराना होगा। बिहार में जैसे हम एकजुट हैं वैसे देश में एकजुट होना होगा। मेरे बारे में कहा गया कि मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया जबकि हम उनके साथ ही थे। शरद यादव के बारे में कहा कि मैंने उन्हें छोड़ा जबकि आज उनका बेटा यहाँ बैठा है। वहीं महागठबंधन की सभा पूर्णिया में हो रही थी जबकि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बगहा के वाल्मीकि नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा की। उन्होंने कहा अब नीतीश के लिए भाजपा के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अपने 20 मिनट के भाषण में उन्होंने 12 बार जंगल राज, 36 बार नीतीश और 14 बार लालू का नाम लिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कीजिए।
नीतीश से पहले तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ महागठबंधन है, वैसे ही देश में भी महागठबंधन है। आप लोगों की दुआ और प्रार्थना से आज मेरे पिता बिल्कुल ठीक हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी फिर से पुराने अंदाज में नजर आए। वो हमेशा उन लोगों से लड़ते रहे। बीजेपी के लोग लीडर नहीं है, डीलर हैं। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लालू का बेटा भी वचन देता है कि सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी घुटना नहीं टेकेंगे। हम सब सातों पार्टियां मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलते ही देश में छापे पड़ जाते हैं, उनसे मिलकर रहने वालों को बचाया जाता है। नीतीश ने बिल्कुल सही समय पर उनका साथ छोड़कर महागठबंधन बना लिया। हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। इस महारैली की सबसे अहम बात की चर्चा करें तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम वेट कर रहे हैं कांग्रेस का, जितनी जल्दी करेंगे। देश में भाजपा को 100 सीट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये पूरी कवायद 2024 के महासमर को लेकर थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।